मल्हार जी मेरी बात सुनिए। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था कि मुझे सच बता दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन नहीं, कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो तुम। अब देख लिया नतीजा तुम्हारे सामने है कल्याणी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वहाँ उस हालत में तुम्हें खड़ा देख के मुझ पर क्या बीत रही थी। इतने टाइम से मैं अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम उसके साथ ही नहीं दे रही हो। उस दिन जब लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ था ना और तुम फेल हो गई थी, तो मैंने सबसे यही कहा था कि मशीन खराब है, क्योंकि मेरी कल्याणी झूठ बोल ही नहीं सकती। और आज जब तुम टेस्ट में पास हो गए, तो आज भी मैं यही कहूंगा कि मशीन खराब है, क्योंकि आज मैं जानता हूं कि मेरी कल्याणी झूठ बोल रही है। मल्हार जी मेरी बात तो सुनो। बस एक और झूठ बोल कर ना सच को दबाने की कोशिश मत करो तुम। मल्हार कैसी बातें कर रहे हो? मल्हार तुम जानते हो ना कल्याणी को। तुम कल्याणी पर कैसे शक कर सकते हो? ये बीवी है तुम्हारी। बीवी है इसलिए इतने यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा रही है। और मीनाक्षी मैम पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकती ना? अगर हम बेगुनाह हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, तो उनके पति की लाश हमारे घर से कैसे मिली? और वो गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ कर गया? और कल्याणी की गाड़ी में उनके पति का खून कैसे मिला? मेरा शक और मीनाक्षी मैम का शक बेबुनियाद तो नहीं है ना? कुछ तो तुम छुपा रही हो। कल्याणी देखो बता दो, नहीं बताना ना, कुछ नहीं बताना ना, तुम्हें मत बताओ। अब तक तुम्हारा पति तुमसे सवाल कर रहा था कल्याणी, लेकिन अब ऐसी भी मल्हार अपना फर्ज निभाएगा। नहीं बताना, कुछ मत बताओ। अगले 24 घंटे में मैं खुद सारा सच ढूंढ के रहूंगा। और एक और वादा करता हूँ कल्याणी, जब तक ये सारा सच मैं तुम्हारे सामने नहीं ले आता ना, तब तक मैं मोक्ष के अडॉप्शन पेपर साइन नहीं करूंगा।